स्टार्ट होएगा और साडा आखिरी इंग्रेडिएंट मेन इंग्रेडिएंट पोटैटो। आओ दोस्तों जानते हैं कि हम पोटैटो को केड़ी केड़ी कटिंग कट कर सकते हैं। लेट अस स्टार्ट विद द पीलिंग। दोस्तों मैं दसा चाहना कि जो भी अपना पोटैटो कट करते हैं साडी ग्रिप पूरी मजबूत होनी चाहिए है, बाजू की भी और साडे पिलर की भी। हमेशा जो भी कट करना स्टार्ट फ्रॉम द वन एंड और दूसरे हिस्से तक जाना है। कुछ लोग दोस्तों कट करने वास्ते मेथड यूज करते हैं, बट ये मेथड थोड़ा ज्यादा इरिटेट करता है और इस वजह से कई एक्सीडेंट होने का खतरा भी रहता है। आलू को हमेशा पील करने के बाद असीं नूं पानी विच ऐड करना होता है क्योंकि इस वजह से बहुत ज्यादा स्टार्च होता है जिसके करके आयरन बहुत ज्यादा डेवलप होता है। स्टार्ट करते हैं साड़ी पहली कटिंग तो जिसका नाम है बैटर। दोस्तों ये कटिंग को यूनिवर्सली फ्रेंच फ्राई के नाम से भी जाना जाता है। सामने इस कटिंग वास्ते सब तो पहला साड़ा पोटैटो है वो चंगी तरह होल्ड होना चाहिए। ये वास्ते आप एक साइड को हल्का जहा कट करेंगे ताकि एक चंगी ग्रिप साडे पोटैटो उत्ते आ सके। दैन फिर उस तो बाद असीं इहनूं स्लाइस कट करेंगे। उस वास्ते एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हर स्लाइस जो है एक सेंटीमीटर के फासले से कट होना चाहिए है। हम आप इन सारी स्लाइसिस चंगी तरह अरेज करा। दोबारा एक प्रॉपर ग्रिप बनानी और इन्हों 1 सेंटीमीटर के फासले से कट करना। शुरू करते हैं साड़ी दूसरी कटिंग जिसका नाम है पोटैटो वेजिस। दोस्तों चंगी तरह पहला साड़े पोटैटो को होल्ड होना चाहिए है। उस तो बाद असीं इसनूं हाफ इंच कट कर लेना। दोस्तों इहदे विच थोड़ी जी केयरफुल नाल असीं इसनूं कट करना है और अगेन उसनूं आपां फिर दोबारा तो उस हिस्से च कट करना है, यानी कि असीं पोटैटो नूं क्वार्टरली कट करना है। उस तो बाद दोस्तों नाइफ नूं स्लाइटली जिहा टाइटल रख के फोर कट लगाना है और साढ़े एक पोटैटो के टोटल 8 वेजिस जी है वो आराम नाल बन सकते हैं। साड़ी तीसरी कटिंग का नाम है स्लाइस। पोटैटो को पहला हॉरिजॉन्टली एक चंगी ग्रिप के नाल डिपेंड करती है अलग अलग साइज और डिशेज के वैरायटी। स्टार्ट करते हैं साड़ी अगली कटिंग जिसका नाम है
ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੀ ਫਾਈਨ ਫਰੀ ਕਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੋਸਟਲੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਲਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਨੈਕਸ ਦੇ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਲਾਈਸ ਕਰਾਂਗੇ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੱਕ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਲਾਈਸ